जनपद में एक निजी संगठन के द्वारा नदियों के सफाई को लेकर तारामंडल स्थित एक निजी हॉल में बैठक की गई, जिसके संबंध में संगठन के संयोजक रामचंद्र ने बताया कि बैठक का उद्देश्य नदियों की साफ सफाई व नदियों की निर्मलता व अविरल बहाव एवं नदियों के पास लोगों को सुविधाएं देने को लेकर है और लोगों के जीविकोपार्जन के मार्ग को प्रशस्त करना है। उन्होंने कहा, नदियों पर बनाए घाट पर साप्ताहिक आरती की जाए व घाटों की साफ सफाई की जाए। इसके अलावा घाटों पर महिलाओं के लिए वस्त्र बदलने के स्थान होने चाहिए और स्वच्छता अभियान चलाकर नदियों की साफ सफाई पर चर्चा की गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संगठन के संयोजक रामचंद्र ने कहा, पांच लोग एक बार यात्रा कीजिए, कहाँ से निकलती है, कहाँ पर मिलती है, यानी उसके धार्मिक पौराणिक ऐतिहासिक महत्व कुछ एक पत्र तैयार किया जाए। हो जगह जगह सभाएं हों तो उस नदी को पुनर्जीवित करने के लिए वहाँ एक भाव बने, जागरण बने, फिर आप काम शुरू करोगे तो लोग उसमें सहायक बनते चले जाएंगे। आजमगढ़ में तो सही है ही उस पर काम करना, इधर गौरव जन कौन सी नदी लेंगे, राप्ती तो है, राप्ती भी लेना है, सब्जी वगैरह तो है, कोई छोटी भी लेंगे ना, रोहिण नदी है, रोहिणी लीजिए, आमी लीजिए, आमी लीजिए, आमी है, आमी है, आमी है, आमी है, आमी को लीजिए, तो ज़्यादा प्रदूषित, वो खत्म भी हो रही है, वो प्रदूषित भी उसी पर है, और रोहिणी पर तो पानी वगैरह ज़्यादा जाता है, तो कुछ काम चल जाता है। रामचंद्र विनायक सहस्रबुद्ध है, मैं गोरखपुर महानगर का संयोजक हूँ। यह बैठक गंगा समग्र की है। गंगा समग्र एक संगठन है जिसका मूल उद्देश्य नदियों के साफ सफाई, नदियों की निर्मलता, नदियों के अविरल बहाव और नदियों के पास लोगों की सुविधाएं और नदियों पर आश्रित लोगों के जीविकोपार्जन के मार्ग को प्रशस्त करना, इन सबके लिए संगठन कार्य कर रहा है। चर्चा बिंदुओं हो रही थी अविरल गंगा के तौर पे घाट के लिए, सबसे पहले लोगों के जन जागरण को, लोगों को जोड़ने के लिए साप्ताहिक तौर पे गंगा आरती की जाए, घाटों की साफ सफाई की जाए, घाटों की साफ सफाई के साथ घाटों के पास विशेषकर महिलाओं के वस्त्र बदलने के स्थान होने चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए और प्लस सबसे अधिक चीज़ वहाँ पर जो बीमारियाँ कुछ उत्पन्न होती हैं लोगों के गंदगी के द्वारा, इस नाते वहाँ पर स्वच्छता अभियान चलाया जाना, ये विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है इसके ऊपर।